वीरभद्र प्रभु या फिर वीरचंद्र गोस्वामी, इनके बारे में हम, गोसाई के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये शिरोदक्षाई विष्णु या फिर संकर्षण के अवतार माने जाते हैं, वसुधा देवी के बेटे हैं और जानवा माता के शिष्य हैं। जानवा माता और वसुधा देवी नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां हैं। इनकी बहन का नाम श्री गंगा देवी था, जो कि गंगा देवी स्वयं साक्षात ही हैं, और इनकी पत्नी जो गंगा देवी है, श्रीमती गंगा देवी, वीरचंद्र जी की जो बहन है गंगा देवी, वो गंगा देवी का अवतार है, और उनके जो पति हैं मध्वाचार्य जी, ये दूसरे मध्वाचार्य हैं हमारे, जो आचार्य हैं उन वो नहीं, ये राजा शांतनु के अवतार है। तो ये इनके बारे में थोड़ा हमने पढ़ा, और ये जो वीरचंद्र जी हैं, ये नित्यानंद प्रभु के प्रचार के विभाग में आते हैं, और वीरचंद्र प्रभु अपनी माता से और जानवा माता से आज्ञा लेकर पहले सप्तग्राम आए, वृंदावन के लिए जाने लगे तो सप्तग्राम आए, उसके बाद उद्धरण दत्त ठाकुर के घर पे भी आए, जहाँ वो उद्धरण दत्त ठाकुर के बेटे श्रीनिवास दत्त से मिले, और वहां से वो शांतिपुर गए, वहां अद्वैत भवन में गए, अद्वैताचार्य के पुत्र श्री कृष्ण मिश्र वहां पर थे। उसके बाद गंगा को पार करके वो अंबिका कालना गए, जहां पर गौरीदास पंडित वहां पर का घर था। वहां हृदय चैतन्य प्रभु ने उनका विशेष स्वागत किया, और फिर वे नवद्वीप में आए और जगन्नाथ मिश्र के घर आए। तो महाप्रभु के तो कोई पुत्र नहीं था। जब उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए, तो वहां जो उनके पार्षद, नित्यानंद प्रभु के पुत्र आए हैं, तो वहां जो उनके पार्षद थे, वो लोगों ने उनका स्वागत किया। फिर कुछ दिन वहां रह करके वो श्रीखंड आए नवदीप के बाद, और वहां भी रघुनंदन जी ने उनको और कनाई ठाकुर जी, इन्होंने इनका स्वागत किया। कुछ दिन ये वहां पे भी रहे, श्रीखंड में रहे। उसके बाद फिर श्रीनिवास आचार्य के घर आए जाजी ग्राम में, और जहाँ श्रीनिवास आचार्य ने उनका स्वागत किया। कुछ समय के बाद श्री वीरचंद्र प्रभु कंटक नगन या फिर कटवा आए, और एक दिन वहां पर रुके। वहां पर गोविंद कविराज ने उनका स्वागत किया। फिर वो खेतरी गए। नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर बहुत उत्सुकता से उनका स्वागत कर रहे थे। और वहां पर बहुत सारे लोग आए वीरचंद्र प्रभु को देखने के लिए। कुछ दिन खेतुरी में रह करके वीरचंद्र प्रभु श्री वृंदावन धाम के लिए चले, बहुत सारे लोगों का उद्धार करते हुए गए। उनके आने की, वृंदावन में आने की खबर सारे गोस्वामियों को, और जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अनंत आचार्य, हरिदास पंडित, कृष्णदास ब्रह्मचारी और मधु पंडित इत्यादि, भवानंद और कशिश्वर को मिल गई। सबको पता चल गया। फिर गोस्वामी लोग, सब लोग
वृंदावन धाम के लोगों के साथ आए और उनसे मिलना चाहते थे। वीरचंद्र प्रभु के बारे में फिर इसके बाद वीरचंद्र प्रभु ने मदन मोहन गोविंद जी गोपीनाथ जी इनका दर्शन किया। ये भक्ति रत्नाकर में लिखा हुआ है। उसके बाद ब्रजमंडल की परिक्रमा उन्होंने की जीव गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी से पूछ करके। फिर इसके बाद फिर उनके जो शिष्य लोग आजकल आजकल जो उनका जो वंश प्रचलित है नित्यानंद प्रभु का, वास्तव में वीरचंद्र गोस्वामी के वंश नहीं है बल्कि ये शिष्य लोग ही हैं। खड़दा में इनका जन्म हुआ था और सियालदा कृष्णा नगर लाइन पे ये खड़दा है। आजकल एक चक्र को वीरचंद्रपुर भी कहा जाता है, जहां पे वीरचंद्र प्रभु के द्वारा जो विग्रह पूजे जाते थे वो थे श्री बंकिम राय, ये विग्रह की उपासना वो करते थे। तो ये वीरचंद्र प्रभु के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की।